हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और दोस्तों आज हम लोग जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 2.2 पॉइंट टू द थ्री क्वेश्चन हम लोग ने क्वेश्चन के आंसर भी लिए तो आज हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे कनेक्टिंग द डॉट्स ये एक तरीके से स्पीच है दोस्तों और वो स्पीच दी थी स्टीव जॉब्स ने उन्होंने अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया है थोड़ा मोटिवेशन दिया है थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं तो उससे आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो शुरू करते हैं लेसन चलिए उनकी स्पीच से शुरू करते हैं टुडे आई वांट टू टेल यू थ्री स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ दैट्स इट जस्ट थ्री स्टोरीज़ ये कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ से आपको बहुत कुछ नहीं बताने वाला बस तीन कहानियाँ बताऊँगा अपनी लाइफ से बस वो तीन कहानियाँ द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स पहली स्टोरी मेरी जो है वो कनेक्टिंग द डॉट्स है जो कि आपका टाइटल है तो पहली स्टोरी से शुरू करते हैं आई ड्रॉप आउट ऑफ द रेड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट सिक्स मंथ बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर एनदर एटीन मंथ बिफोर आई रियली क्विट मतलब कि रेड कॉलेज से ये ड्रॉप आउट हो गए थे छोड़ दिया था इन्होंने लेफ़्ट कर दिया था उसे छः महीने में लेकिन उसके बाद थोड़े दिन के लिए अठारह महीने के लिए वो दोबारा रहे पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था लुकिंग बैक इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न आई एवर मेड अब इन्होंने अगर अपने टाइम में पीछे देखे तो ये सबसे बढ़िया डिसीज़न था जो इन्होंने बनाया था आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेज दैट डिडेंट इंटरेस्ट वी एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन वन और दो दैट लुक ड इंटरेस्टिंग अभी ये सभी क्लासेज नहीं छोड़ा करते थे सभी से ड्रॉप आउट नहीं होते थे सिर्फ उसी से ड्रॉप आउट होते थे जो इन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता था और जो इंटरेस्टिंग लगता था उसमें ये रहते थे आई डिटेंट हैव अ डोम रूम सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम इनके पास ख़ुद का रूम नहीं था इसीलिए अपने फ्रेंड के रूम में सोते थे ज़मीन पर आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द फाइव सेंट डिपोजिट्स टू बाई फूड विथ एंड आई वुड वॉक सेवन माइल्स अक्रॉस टाउन एवरी सन्डे नाइट टू गेट वन गुड मील एट वीक वेयर एट द हरी कृष्णा टेम्पल मतलब कि ये पाँच सेंट्स मतलब कि पाँच क्वाइंट्स के लिए कोक बॉटल बेचा करते थे ताकि वो खाना खरीद सके और हर संडे रात को ये सात माइल चल जाते थे अपने टाउन से ताकि इन्हें अच्छा खाना मिल सके मंदिर में आई लव वो भी इन्हें बहुत पसंद था एंड मच ऑफ what इट आई stumbled into the द my curiosity क्यूरियोसिटी एंड turned out आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन मतलब कि इनका जो काम था वो प्राइसलेस ठहर गया बाद में कैसे हुआ हेयर्स वन एग्जाम्पल रेड कॉलेज ऑफ वर्ड पर हैज़ द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री रेड कॉलेज में लेक्चर्स भले ही इन्हें बोरिंग लगते थे लेकिन इन्हें एक चीज़ अच्छी लगती थी कैलीग्राफी और कैलीग्राफी के लिए रेड कॉलेज फेमस भी था वो सबसे बेस्ट कैलीग्राफी सिखा सिखाया करता था तो बिकॉज आई हैड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लासेज आई लर्न अबाउट सैरफ एंड सेंट सैरिफ टाइप फेसेस अबाउट वॉट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट मतलब कि इन्होंने कैलीग्राफी में सीखा शेरिफ एंड सैन सैरिफ टाइप फेसेस जो कि टाइपोग्राफी को और महान बनाते हैं टेन ईयर्स लेटर वेन वी आर डिज़ाइनिंग द दर्स्ट मैकेटोस कंप्यूटर इफ ऑल केम बैक टू मी एंड वी डिजाइन इट ऑल इन टू द मैक इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन दैट कोर्स इन कॉलेज ऑफ मैक वुड हैव नेवर दैट मल्टीपल टाइप फेसेज और फॉर दैट मैटर इवन फॉर स्पेस्ड फॉन्ट्स दस साल बाद जब इन मैक कंप्यूटर बना रहे थे मैकेटोस कंप्यूटर तो वो जो कैलीग्राफी इन्होंने सीखी थी वो यहाँ पे काम आई दोस्तों इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कोर्स इन कॉलेज द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेज मतलब कि मैक इन कंप्यूटर में टाइप फेसेज तो होते ही नहीं अगर वो ड्रॉप हो गए होते कॉलेज से कैलीग्राफी अगर उन्होंने नहीं सीखी होती तो एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपी मैड मैक इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम इफ ऑफकोर्स इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड वेन आई वॉज इन कॉलेज बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड टेन ईयर्स लेटर अभी जब ये कॉलेज में थे तो इन्हें अच्छा नहीं लगता था लेकिन आगे चल के जब वो चीज़ इन्हें काम आई तो इन्हें अच्छा लगता था कनेक्ट द डॉट्स दोस्तों आपको मतलब बता दो। कनेक्ट द डॉट्स मतलब होता है कि एक जो चीज़ हम बचपन में सीखते हैं वो आगे चल के काम आना आपसे पर्सनल ओपिनियन भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आगे चल के आप लिए काम आई तो जैसा कि होता है कि समझ लीजिए आप फोर्थ क्लास में आपने फोर्थ क्लास में डांसिंग सीखा था और नाइन्थ क्लास में एक बार कोई डायरेक्टर आया उसने आपका ऑडिशन लिया तो ऑडिशन के बाद जब डांस आपने बहुत बढ़िया किया तो आपका सिलेक्शन हो गया तो चौथ फोर्थ में जब आपने सीखा था तो आपको उतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि ऐसे ही आपने सीख लिया था लेकिन आगे चल के वो चीज़ काम आई तो वो कनेक्ट द डॉट्स हो गया दोस्तों मतलब वो एक डॉट वहाँ पे था और जब नाइन्थ में आप आए तो वहाँ पे एक डॉट दोनों कनेक्ट हो गए वो पुरानी चीज़ें आपको काम आई मतलब एसोसिएट वन आइडिया तो वही इनके भी साथ हुआ इन्होंने बहुत पहले कैलीग्राफी सीखी थी ऐसे ही सीखी थी क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट था लेकिन आगे चल के वो इनके लिए बहुत काम का निकला यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड आगे चल, आगे देख के आप लोग डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते आपको नहीं पता है कि आगे चल के कौन सी चीज़ें आपको काम में आ जाएंगी यू कैन ओनली कनेक्ट डॉट बाय लुकिंग देम बैकवर्ड सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल सम हाउ कनेक्ट तो आपको भरोसा रखना चाहिए कि डॉट्स कनेक्ट ज़रूर होंगे इन योर फ्यूचर फ्यूचर में यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग कौन कौन सी चीज़ों में गड डिटर्मिनेशन डिस्टिनी लाइफ कर्मा ये चार चीज़ों पे आपको भरोसा रखना चाहिए दोस्तों दिस अप्रोच हैज़ नेवर लेट मी डाउन एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ ये चीज़ें आपको कभी भी नीचे नहीं भेजेंगी ये चीज़ें हमेशा आपको ऊपर लेकर जाएंगी आपको इनमें ट्रस्ट रखना चाहिए अब यहाँ पे पहली स्टोरी ख़त्म हुई कनेक्ट द डॉट्स सेकंड स्टोरी है लव एंड लॉस आई फाउंड वॉट आई लव्ड टू डू अर्ली इन लाइफ वॉज एंड आई स्टार्टेड एप्पल वेन आई वॉज इन आई वॉज ट्वेंटी इंटेरियर्स एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट द टू ऑफर्स इन अ गैरेज इन टू अ टू डॉलर बिलियन कंपनी एंड देन आई गॉट फायर इट वॉज डेवास्टेटिंग तो सेकेंड स्टोरी है इनकी लव और लॉस के बारे में है दोस्तों तो सबसे पहले उन्होंने एक कंपनी शुरू की एप्पल जो आज भी हम लोग जानते हैं जो उस समय बीस साल के थे दस साल में एप्पल इतना ग्रो हो गया कि दो दो बिलियन की कंपनी इनकी बन गई दो डॉलर बिलियन की और फिर उसके बाद इनको उस कंपनी से निकाल दिया गया ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज़ थी बहुत ही डिवास्टेटिंग था बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डॉन ऑन मी आई स्टिल लव्ड वॉट आई डिड एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर अब बहुत ही सोचिए दोस्तों कि किसी चीज़ को आपने बहुत ही दस साल से प्यार से बड़ा किया है समझ लीजिए यूट्यूब चैनल ही हो गया इसे हम लोगों ने दस साल से बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो डाल के अपने सब्सक्राइबर बटोरे हैं आपने बहुत नाम कमाया है लेकिन एक बैग अगर आपको इस चैनल से इस चैनल को आपसे छीन लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों फिर भी ये तो एक चैनल है ये तो दो डॉलर बिलियन कंपनी के मालिक थे वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया क्योंकि ये बहुत केयरलेस थे दोस्तों उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा करते थे अपनी कंपनी का क्या चल रहा है क्या हो रहा है उतना नहीं तो इसीलिए इन्हें धोखा मिल गया था तो सोचो दोस्तों कितना बुरा लगा होगा लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी इनको तब भी भी वही पसंद था जो पहले पसंद था इसीलिए इन्होंने दोबारा काम करने की कोशिश की तो दोस्तों इसीलिए अगर आपका कोई भी काम ख़राब हो जाए तो रोइए मत उसे लेके दुखी मत होइए आप वो काम दोबारा कीजिए और पहले से अच्छा वो काम आपकी बार हो जाएगा ये गारंटी रहती है दोस्तों द हैवीनेस ऑफ बींग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेसड बाय द लाइटनेस ऑफ बींग अगिनर अगेन इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ़ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ अब जो बहुत ही सारा बोझ था वो हट गया क्योंकि अब ये दोबारा से शुरुआत कर रहे थे तो ज़ीरो से शुरू कर रहे थे दोस्तों और इसको इन्होंने इसने इनको बहुत ही फ्री कर दिया किसके लिए क्रिएटिव पीरियड मतलब फिर से इनके काम करने का पीरियड आ गया अगले पाँच साल में इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की नेक्स्ट एक और कंपनी बनाई पिक्सर और दो कंपनियां बनाने के बाद एक वुमेन थी जिनकी जिनके साथ इनकी शादी फिक्स हो गई थी पिक्सर इज़ नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो ये एक एनिमेटिव स्टूडियो था जो हम लोग एनिमेशन देखते हैं जैसे कार्टून वगैरह हो गए तो पिक्सर वो कंपनी थी एप्पल बॉट नेक्स्ट आई रिटर्न टू तो द एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज़ एट द हार्ट ऑफ एप्पल मतलब कि इन्होंने जब दूसरी कंपनी बनाई नेक्स्ट तो एप्पल से भी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई और एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदना चाह नेक्स्ट ने एप्पल को ख़रीदना चाह और इसके लिए इन्होंने दोनों कंपनियों को एक साथ कर दिया और दोनों कम्पनियाँ एक साथ जुड़ गई एंड लॉरिन एंड आई हैव वंडरफुल फैमिली टुगेदर लॉरिन इनकी वाइफ का नाम है दोस्तों इनकी बहुत ही अच्छी सी फैमिली बनी समटाइम्स लाइफ इट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रेक डोंट लूज फेथ कभी कभी आपको बहुत ही तगड़ा धोखा मिलेगा डिस्ट्रक्टिव धोखा मिलेगा जिससे बहुत सारी आपको दुख होंगे लेकिन भरोसा मत तोड़िए होप मत छोड़िए उम्मीद मत छोड़िए आप द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू अगर आपको कोई भी महान काम करना है तो आप वो काम करो जो काम करना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है इफ़ यू हैवन फाउंड इट येट कीप लुकिंग डोंट सेटल अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है फिर भी आप करते रहो वो काम कहीं पे भी आप रुको मत मतलब कॉन्स्टेंट एफर्ट्स पर लगातार कोशिश आप लोग करते रहो थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ तीसरी स्टोरी इनकी जो है वो डेथ के बारे में है अबाउट अ ईयर से गो आई वॉज डिग् विद कैंसर माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई एक साल के बाद एक साल के बाद एक साल पहले मतलब जब ये स्पीच दे रहे हैं तो इनको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि घर पे जाओ और जो अच्छा लगता है वो आप काम करो मतलब कि जैसा डॉक्टर जब जवाब देते हैं तो वो बोल देते हैं कि घर पे जाओ और जो अच्छा लगता है खिलाओ पिलाओ तो उनका एक कोड होता है कि तैयारी कर लो मरने की अब आपकी डेथ होने वाली है उस दिन डायग्नोसिस के साथ पूरे दिन रहे ये और इवनिंग में इनकी बायोप्सी भी हुई और उसके बाद इनका पता चला कि इनको पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया है और ये क्यूरेबल था दोस्तों सर्जरी से इसको बचाया जा सकता था आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ और सर्जरी हुई और ये अब ठीक हैं सोचिए दोस्तों कैंसर से ये बच गए जबकि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि प्रिपेयर टू डाई तो दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बिन टू फेसिंग डेथ एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर फ्यू मोर डिकेट्स हैविंग लिव्ड थ्रू इट आई कैन नाउ से दिस टू यू योर टाइम इज़ लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग सम वन एल्स लाइफ ये पहली बार था जब स्टीव जॉब्स ने मौत को इतने करीब से देखा था क्योंकि पूरा फिक्स ही हो गया था लगभग कि इनको अब डेथ होना ही है इनकी डेथ जब तक वो रिजल्ट नहीं आया था लेकिन अब कुछ और डिकेट्स के लिए जिंदा रह गए और इसके साथ इन्होंने इनको एक संदेश मिला कुछ सीखने को मिला और क्या सीखने को मिला कि हमारा समय लिमिटेड है सीमित है तो अपना समय आप खुद जियो इसे दूसरों के लिए मत जियो डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा विच लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग डोंट लेट द नॉइस ऑफ अपर अदर्स ओपिनियन ड्रॉन आउट योर इनर वॉइस मतलब कि दूसरों की आवाज़ आपकी वॉइस को दबा न दे आप जियो तो अपनी लाइफ के लिए जियो आप लोग दूसरे की लाइफ के लिए मत जियो दूसरे के लिए आप इतना टेंशन मत लो आप मेहनत करो अपने लिए करो दूसरे को सक्सेस नहीं मिली तो आप उसके दुख में मत जियो मतलब आपका समय सीमित है और सिर्फ अपने लिए जियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन हमेशा अपने दिल की सुनो दे सम हाउ ऑलरेडी नो वॉट यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम वेन आई वॉज यंग देयर वॉज एन अमेजिंग पब्लिकेशन कॉल्ड द होल वर्थ अर्थ अ इन द फाइनल इशू ऑन द बैक कवर दे पुट दुटा फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड मतलब ये एक मैगजीन पढ़ा करते थे बचपन में जो बहुत ही अमेजिंग था तो उसमें पीछे जो बुक के पीछे एक कवर था वहाँ पे एक फोटोग्राफ थी कंट्री रोड की और उसके नीचे एक वर्ड्स थे स्टे हंगरी स्टे फूलिश इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ़ आई हैव ऑलवेज विश्ड दैट फॉर माई सेल्फ एंड नाउ एज यू हैव ग्रेजुएटेड टू बिगिन अ न्यू आई विश दैट फॉर यू स्टे हंग्री स्टे फूलिश ये फेयरवेल मैसेज था दोस्तों किसके लिए कुछ बच्चों को डिग्री मिली थी वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने स्पीच दिया था तो उनको ये फेयरवेल मैसेज दिया था इन्होंने इसका स्पीच भी है तो आप लोग अगर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिलेगा तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि तुम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो तो स्टे हंग्री स्टे फूलिश मतलब हमेशा नई चीज़ों की खोज में रहो दोस्तों कभी भी सेटिसफाइड मत रहो हमेशा आप लोग डिससेटिस्फाइड रहो हमेशा नई नई चीज़ों की खोज करते रहो क्योंकि अगर आप लोग सेटिसफाइड हो जाओगे तो वहाँ पे आपकी लाइफ सीमित हो जाएगी लिमिटेड हो जाएगी अगर आप लगातार चीज़ों की तलाश में घूमते रहोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा कुछ ना कुछ आप जरूर इन्वेंट करोगे तो वही स्टीव जॉब्स ने कहा था स्टे हंग्री स्टे फूलिश तो दोस्तों ये लेसन भी बहुत ही मोटिवेटिंग था मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा इस लेसन से अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो तोयम